तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना स्कूटी के तहत जो वैकेंसी आ चुकी है, इसमें पोस्ट की बात करते हैं। तो इसमें अकाउंटेंट और असिस्टेंट की वैकेंसी है, और जो टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 6,570 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितना है? 6,570 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। और हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि बिहार ग्राम स्वराज योजना के तहत जो वैकेंसी है, क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है? अगर ये वैकेंसी सही है तो ये हम लोग किस तरह देख सकते हैं, और इसे हम लोग घर बैठे इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम लोग ये भी जानने वाले हैं साथ साथ, क्या फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फिर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हम लोग घर बैठे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले होस्ट के तुम्हारा वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट जैसे वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उस जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, इसे देखते हैं, इसे समझते हैं, और इसे किस तरह हम लोग सबसे पहले इस जानकारी जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसे हम लोग किस तरह देख सकते हैं कि यह वैकेंसी सही है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन या लैपटॉप पे आ जाना है। आने के बाद सर्च बॉक्स में गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे, आपको सर्च बॉक्स में आना है। सर्च बॉक्स में लिख लेना है BGSYS। क्या लिख लेना है? BGSYS लिख के सर्च कर लेंगे। चलो नीचे करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे BGSYS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन form.com, और इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल दे दिया गया। इस पोर्टल पे आपको क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पे क्लिक करके आप ओपन हो जाते हैं, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, बिहार ग्राम स्वराज योजना स्कूटी का आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर रहा है, इसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 10 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। वही एप्लीकेशन का इन डेट की बात करते हैं तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 जून तक का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और साथ साथ हम लोग ये बात करते हैं पेमेंट स्टार्ट जो है आपका 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 10 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और पेमेंट आप 10 मई से ही कर सकते हैं। और जो है पेमेंट इन डेट की बात करते हैं 9 जून, जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा उसी दिन तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का। अन्यथा ये नहीं सोचेंगे कि जो पेमेंट का एक्स्ट्रा समय जो 2 दिन दिया जाता है वैसा कुछ नहीं है। तो अब हम लोग ये सबसे पहले जानेंगे इसे हम लोग किस तरह देख सकते हैं। नोटिफिकेशन समझने के लिए तो यहाँ से सेकंड नंबर ऑप्शन में दे दिया गया है क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड। जैसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे आपका जो नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इसे समझते हैं, इसे देखते हैं कि इसे हम लोग क्या क्या इसमें जानकारी दे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें, एक मिनट इसे मार्कर हम ले लेते हैं। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, मार्कर नहीं आ रहा था जिसके वजह से हम ट्राई फिर से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना के तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिटेल्स की बात करते हैं, डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं टोटल पोस्ट की बात करते हैं। 6,570 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट की बात करते हैं 4,270 पोस्टों की वैकेंसी है। वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का, जिसमें से जो है 2,300 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ये पोस्ट की बात करते हैं अकाउंटेंट जो होता है असिस्टेंट और के तहत की वैकेंसी है। और सर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो BCom, MCom, CA लेटर जो किए हुए हैं वो लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी के हिसाब से, जैसे UR कैटेगरी में देख सकते हैं टोटल जो है 1,643 पोस्ट है, जिसमें से मेल की कैंडिडेट की बात करते हैं 1,068 पोस्ट है, फीमेल के लिए 575 पोस्ट है। वही बात करते हैं EWS में तो 657 पोस्ट है, और मेल में जो है टोटल जो 657 पोस्ट है मेल में, जिसमें से 427 पोस्ट है फीमेल में, 230 पोस्ट है। बात करते हैं SC में, SC में टोटल 1,313 पोस्ट है, और जिसमें मेल की बात करते हैं 853 पोस्ट है, और फीमेल की बात करते हैं तो 460 पोस्ट है। वही बात करते हैं ST कैटेगरी में तो 131 पोस्ट है टोटल, जिसमें मेल कैंडिडेट 85 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट 46 पोस्ट है। बात करते हैं EBC जिसमें टोटल पोस्ट 1,643 पोस्ट है, मेल कैंडिडेट 1,068 पोस्ट है, फीमेल जो है 575 पोस्ट है। अगला बात करते हैं BC कैंडिडेट के लिए, जिसमें 1,183 पोस्ट है, मेल वालों के लिए 767 पोस्ट है, फीमेल के लिए 414 पोस्टों की वैकेंसी है। और सबसे पहले आपको हम क्वालिफिकेशन बता दिए, पोस्ट का नाम बता दिए। अब हम सबसे पहले से यहाँ पे और मेंशन कर रहा है कि सर जो पर मंथ जो बात करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आपका पर मंथ जो है आपका 20,000 रुपया रहने वाला है। या फॉर्म जो आपका जो सिलेक्शन होता है इसमें पेमेंट आपका कितना मिलने वाला है, 20,000 पर मंथ आपको इसमें जो है मिलने वाला है। और आगे बात करते हैं, इसे और आगे समझते हैं इसमें और आगे क्या क्या जानकारी दे दिया गया।
तो इससे थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे नोटिस या कैटेगरी में कैटेगरी दे दिया गया, यानी कि जो शॉर्ट नेम होता है एससी एसटी ओबीसी एबीसी उसका शॉर्ट नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, सबसे पहले एक्सेस द एप्लीकेशन वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट जो 12 अप्रैल को ही एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया था, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड में पहले की बात जो है 30 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है फॉर्म भरने का पहले लास्ट डेट क्या था, स्टार्टिंग डेट क्या था, पहले 30 अप्रैल से पहले स्टार्ट होना था और लास्ट डेट की बात करते हैं 29 मई तक, लेकिन इसका किसी कारणवश से जो है पहले से स्टार्ट नहीं किया था, अभी स्टार्ट कर दिया गया। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, अब इस फॉर्म भरने के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है, तो फ़ी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ी जानने के लिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, तो फी दे सकते हैं जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी देख लिया जाए तो कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो UR EWS BC EBC वालों के लिए, जो मेल कैंडिडेट वालों के लिए 500 रुपया लगेगा, वही फीमेल कैंडिडेट वाले जो रहेंगे उसे 250 रुपया लगेगा, और SC ST जो बिहार डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं उनको जो मेल कैंडिडेट 250 रुपया लगेगा, फीमेल को भी 250 रुपया लगेगा, और फीमेल कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे और PWD जो लोग स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनको 250 रुपया लगेगा, यानी फीमेल कोई भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसको 250 रुपया लगेगा, और UR EWS OBC BC2 जो होते हैं उसे 500 रुपया लगेगा, और SC ST वालों को 250 रुपया लगने वाला है। और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की बात करते हैं, इस फॉर्म में एज लिमिट रखा गया है, जैसे कि एज लिमिट UR कैटेगरी या EWS जो मेल कैंडिडेट रहेंगे वो 45 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, UR कैटेगरी फीमेल और EWS फीमेल वाले जो है 48 साल तक अप्लाई करेंगे, BC EBC मेल एंड फीमेल वाले जो है 48 साल तक अप्लाई करेंगे, और SC ST मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है 50 साल तक के लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये एज लिमिट की बात हो गया, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें और कुछ है इंपॉर्टेंट बात है तो आपको हम समझा देते हैं, यहाँ तक तो आप कुछ नहीं। ये सब जानने के बाद सर आपको हम बता दें किस तरह फॉर्म आपको अप्लाई करना है, अप्लाई का प्रोसेस क्या है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद गूगल या क्रोम मुझे जहाँ से मैंने डाउनलोड करवाया था वहीं पर आ जाना है। वैसे मैं आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों का लिंक दिया रहता है, अगर आपको फॉर्म भरना रहता है तो अप्लाई के लिंक पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन के लिंक पर जाके डायरेक्ट नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, दोनों का लिंक दिया रहता है। अब यहाँ से आने के बाद फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए ऊपर में जैसे मेंशन करें लॉगिन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले क्या करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है कंफर्म पासवर्ड डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आई एम नॉट ए रॉबर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने ईमेल आईडी पासवर्ड बनाया था वहाँ से लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने का जो भी डॉक्यूमेंट जो भी फील मांगेगा आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं है जो फिल करके बताऊँ, अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में किसी परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या इसके आगे का प्रोसेस क्या आता है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स मंगा, अगर किसी स्टूडेंट का फॉर्म आता है भरने के लिए मैं आपको भर के जरूर दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया तो हो सकता है वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसे जानकारी ले पाएंगे, और हो सकता है इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कि किस तरह का वैकेंसी आई थी और वैकेंसी का लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है, अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सही लोगों तक पहुँचेगा तो वो लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वैकेंसी के साथ, धन्यवाद।